सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम स्टूडेंट्स, हमने आपको मैसेज दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज आने का, और बड़ी खुशी की बात है कि अब वो टाइम आ पहुंचा है। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोगों को डील क्या करना है, पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच रिलेशन, इस चैप्टर का फाइनल सब्जेक्ट मैटर क्या है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर में मेनली जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन केमिकल चेंज के साथ। केमिकल चेंज से मतलब केमिकल रिएक्शन। वैसे तो केमिकल रिएक्शन सो मेनी टाइप्स के हैं, लेकिन इस चैप्टर में जिस केमिकल रिएक्शन से हमारा मतलब है वो रिडॉक्स टाइप रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको ऐसे कहिए कि हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा, और रिडॉक्स रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। ये मेन इस टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का को कैसे केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल चेंज के लिए यूज होगा, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होगा। सो द मेन सब्जेक्ट मैटर of this chapter is
इज कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस चैप्टर में जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल चेंज भी कौन से टाइप का, तो रिडॉक्स टाइप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यही चीज़ हम लोग डील करेंगे। इसका मतलब इसमें हमारा डिस्कशन दो पॉइंट पर होगा। पहला पॉइंट है कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से रिडॉक्स रिएक्शन करवाना, ये पहला पार्ट होगा। और दूसरा कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज से, केमिकल रिएक्शन से, रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और ये दोनों काम जिस एपरेटस में कराया जाता है उसे हम सेल कहते हैं, सेल जिसको आप लोग आम बोलचाल में बैटरी कहते हो। दीज कन्वर्सन्स आर कैरीड आउट इन ए सेल। A cell has two electrodes called cathode and anode. Dipped into aqueous solution
सर्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल। किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें से एक कैथोड कहलाता है और एक एनोड कहलाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू डूबा हुआ रहता है एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल में और मोल्टेन स्टेट लिक्विड फॉर्म में, हीट करके मेल्ट कर देंगे, मोल्टेन स्टेट फ्यूज्ड स्टेट में ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो पानी में घुलने पर या मेल्ट करने पर आयन में टूट जाए, जैसे NaCl को पानी में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, सो NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कॉपर सल्फेट पानी में घोलेंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक करेगा, तो कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर करते क्या है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड लीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, उसको या तो एक्वस सॉल्यूशन बनाइए, पानी में घोल दीजिए, या उसको हीट करके मेल्ट कर दीजिए, मोल्टेन स्टेट, और उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, दिस इज योर सेल। तो उसी को हमने लिखा है कि ए सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स, किसी भी एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कॉल्ड कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड कहलाता है, और जो डिप्ड इनटू डूबा हुआ है, डुबाया हुआ है किस में, एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किसका, एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म, तो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक का नाम कैथोड, दूसरे का नाम एनोड। कैथोड किसे कहेंगे और एनोड किसे कहेंगे, ये चीज भी आपको जानना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चों से जब हम पूछते हैं कि कैथोड किसको कहते हैं, तो वो आंसर देता है निगेटिव वाले को या पॉजिटिव वाले को, जो भी आपका आंसर है, ये दोनों ही आंसर गलत है। क्योंकि इस चैप्टर में आप देखेंगे बहुत सारे सेल ऐसे होंगे जहां पर कैथोड निगेटिव होगा, और बहुत सारे सेल ऐसे भी होंगे जहां पर कैथोड पॉजिटिव भी होगा। तो कैथोड और एनोड, किसी सेल में एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तो किसी और सेल में एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। इसलिए ये कहना कि पॉजिटिव वाला कैथोड है या निगेटिव वाला कैथोड है, गलत। सही डिफिनेशन क्या है कि इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, केमिकल चेंज, वो हमने क्या लिखा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन कौन से टाइप का होगा, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सेल के अंदर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसे हम कैथोड, सॉरी एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। एनोड कौन है, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड है द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस।
अगर कभी डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन, इसलिए अगर कभी डाउट हो जाए तो इसके लिए आप याद रख सकते हो। रेड कैट एन ऑक्स, रेड से रिडक्शन लाल बिल्ली और एक बैल, रेड से रिडक्शन कैट माने कैथोड, रिडक्शन कैथोड पर होगा, एन माने एनोड, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। तो एनोड कौन है जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो कभी अगर ऐसा लगे कि भूल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये से आपको याद पड़ सकता है, रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड, रेड कैट एन ऑक्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड प्लेट या रॉड के फॉर्म में होंगे और ये मेटल का बना होता है। सिर्फ एक ही नॉन मेटल इलेक्ट्रोड में यूज होता है, वो है ग्रेफाइट। द इलेक्ट्रोड्स आर रॉड और प्लेट, ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें दो याद रखिएगा, स्पेशली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन है, मतलब नॉन मेटल। ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड याद रखना है। दो इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम, एक प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो वो इनर्ट होगा और दूसरा ग्रेफाइट का। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, मतलब जब सेल फंक्शन करेगा, जब ये कन्वर्सन होगा, तो उस टाइम में ये इलेक्ट्रोड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, या फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन से प्रभावित नहीं होते। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड होगा तो जब भी सेल फंक्शन करेगा उस पर चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, इसलिए वो सब अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, क्योंकि उस पर अटैक होता है रिएक्शन का, और ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है आपका। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेल के बारे में। अब ये जो सेल है, ये दो तरह के होते हैं। सेल कितने तरह का होगा? दो तरह का। एक वैसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और दूसरा टाइप जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल दो टाइप के हैं, एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। दो तरह के सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहेंगे? ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी और ये कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है वो रिडॉक्स टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का होता है। इसलिए हर स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये छह टर्म का डिफिनेशन आता हो। क्या क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये छह डिफिनेशन। 11th का टॉपिक है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में है, तो उसको अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो उसको ठीक करना है। यहाँ तो सिर्फ हम जानकारी के लिए थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, लेकिन अगर उसमें परेशानी हो रहा है आपको तो हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्लास लेक्चर सीरीज जो मेरा चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है उसको समझना है, अगर यहाँ सिर्फ डिफिनेशन लिख कर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, चूंकि इसमें हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब रहेगा और आपको उसका डिफिनेशन भी नहीं पता तो परेशानी होगा, इसलिए हम थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं, बाकी आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो या फिर 11th में आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन क्या है? दो तरह से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इसका एक और डिफिनेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दो डिफिनेशन हमने लिखा, आप दोनों में से कोई भी याद रहेगा आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से रिडक्शन का डिफिनेशन, इसमें भी दो डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, पहला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
is called reduction, दूसरा है decrease in oxidation number, is called reduction. लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये दो ही डिफिनेशन नहीं है, और भी बहुत सारे डिफिनेशन है लेकिन दो काफ़ी है. बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन से बच्चे को दिक्कत हो तो ज़्यादा इजी है कि वो इस डिफिनेशन को याद रखे. लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. तो जो हमारा फंडामेंटल चल रहा है सीरीज लेक्चर सीरीज, उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे आपको, उससे देखकर आप सीख ले सकते हो. तो इसमें मेनली आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अगर सही है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना जानते हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड को डिटेक्ट पहचानने में कहीं परेशानी नहीं होगा. अगर आपने 11th में पढ़ा है, याद है, तो अच्छी बात है. नहीं है तो जैसा कि हमने कहा कि मेरा जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज है वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पर भी लेक्चर आएगा, तो वहाँ पर से आप सीख ले सकते हो और ये मस्ट है सीखना. तो ये तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात बता रहे थे. अब आइए फिर हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. हमने कहा यहाँ पर कि सेल दो टाइप के, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है. उसका कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसमें कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव होगा. अब इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट में सेपरेट करके पढ़ेंगे. पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा पार्ट होगा गैल्वेनिक सेल, और तीसरा पार्ट होगा कंडक्टेंस. तो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोलिसिस. जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को, आप इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं जो प्लस और माइनस में टूटता है, पानी में घोलकर या फ्यूज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोड डालकर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. उसमें से एक प्रोडक्ट कैथोड पर मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट एनोड पर मिलेगा. मतलब लिया था आपने एक ही इलेक्ट्रोलाइट, प्रोडक्ट मिले दो, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया. तो इलेक्ट्रिक करंट के मदद से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इस तरह से ब्रेक कर देना दो अलग प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. लिखिए द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by passing
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से या मोल्टेन फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उस इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, डिकम्पोजिशन करना या तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करना। एक्चुअली इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन, तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से होने के लिए तैयार करना ही इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि वी ब्रिंग आउट ए रिडॉक्स रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली रिएक्शन हम हीट करने पर भी रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट मिलाने पर भी रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को करवाना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट कैथोड पर, एक प्रोडक्ट एनोड पर। आप जानते हैं कि सेल, ये काम सेल में कराया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जो सेल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्योंकि उसमें हम खर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और बदले में मिलता है केमिकल सबस्टांस या केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब हमारा यूज क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, और बदले में हमें मिला क्या, तो प्रोडक्ट मिले। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदले हमने केमिकल सबस्टांस प्राप्त किया, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, खर्च किया और बदले में केमिकल सबस्टांस हमें मिला कैथोड एनोड पर। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने बदल दिया केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए जो सेल यूज होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज डन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सेल में क्या होता है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि सेल में हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं, या तो एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल लीजिए या फ्यूज्ड स्टेट मोल्टन लिक्विड बनाकर लेंगे, हीट कीजिए मेल्ट कर जाएगा, उसको ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी इसे पानी में घोला जाएगा तो, या मोल्टेन फॉर्म में, ये प्लस और माइनस आयन में टूट जाएंगे। तो उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, तो प्लस आयन है और माइनस आयन, और सेल में जो दो इलेक्ट्रोड है, एक है कैथोड एक है एनोड, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है। मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और निगेटिव आयन
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस और मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आयन्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली charged electrodes to discharge or deposit. जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के घोल में जो आयन्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव ये अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। क्यों मूव करता है? टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के लिए उस पर जो चार्ज है उसको वो ख़त्म करके न्यूट्रल बनना चाहता है, डिस्चार्ज होना, और न्यूट्रल बनकर वो पूरे सॉल्यूशन में नहीं उसी इलेक्ट्रोड के पास ही जमा हो जाएगा तो उसे हम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। माने इलेक्ट्रोड पर जाकर वो क्या होते हैं, या तो कहिए डिस्चार्ज हो रहा है या कहिए डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर का टाइम यहीं पूरा होता है। थैंक यू। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।